हेलो गुड पीपल, हाउ आर यू भाई। हमारे घर में एक और चीज़ ख़राब हुई है, ये है एनर्जाइज़र चार्जर। ये डबल ए, ट्रिपल ए और 9 वोल्ट चार्ज करता है। इसका मॉडल नंबर है CHCCEU। इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है प्राइमरी का 100 to 240 वोल्ट, 50 to 60 हर्ट्स। मतलब ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से ये बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ 110 वोल्ट होगा तो वहाँ भी ये चल सकता है, और इंडिया में 230 है यहाँ भी चल सकता है। तो भाई ये ख़राब हो गया है, इसे अभी हमें रिपेयर करना है, देखें रिपेयर होता है कि नहीं। इसका प्रॉब्लम ये है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये मैंने ऑन किया, ये डिस्को लाइट बन चुका है। आई एम अ डिस्को डांसर, पर ये डिस्को डांसर से बैटरी चार्ज तो नहीं होती, इसको ठीक करना पड़ेगा। इसको खोलते हैं, खोलने के लिए इसका स्क्रू ड्राइवर अलग है। ये है यू टाइप स्क्रू ड्राइवर, ये बहुत पहले मैं यूज़ किया करता था वीसीआर में। वीसीआर में हेड होते हैं जो घूमता है, वीडियो हेड। जो ऑडियो हेड होता है वो स्टेशनरी होता है, और कंट्रोल ट्रैक जो होता है टाइम कोड वाला वो भी स्टेशनरी होता है। तो वीडियो ट्रैक घूमता है उसमें दो हेड होते हैं जो बहुत स्पीड में घूमते हैं। उसको जो हमारा कैसेट डालते हैं टेप को आगे लेके जाने के लिए गाइड्स होते हैं, वो गाइड एडजस्ट करने के लिए ये स्क्रू ड्राइवर यूज़ होता है यू टाइप। ये देखिए, ये है यू टाइप स्क्रू ड्राइवर, पर ये यहाँ पे फिट नहीं होगा क्योंकि दोनों का साइज़ कुछ अलग है। सो ये मुझे पहले पता था कि ये मेरे पास नहीं होगा, तो मैं बाज़ार से एक स्क्रू ड्राइवर का सेट लेके आया जो अच्छे नहीं मिलते हैं, बट सरप्राइजिंगली आई थिंक ये सेट काफ़ी अच्छा है। सभी निकाल लेता हूँ मैं, अभी एक ढूंढने के चक्कर में सबको एक एक करके निकालने से अच्छा है कि सब एक साथ निकाला जाए। ये देखिए, ये है स्क्रू ड्राइवर, यू टाइप बोल सकते हैं, सी टाइप बोल सकते हैं। इससे ये चार्जर खुलेगा। इसका फॉल्ट क्या है कुछ आइडिया नहीं, लेट्स सी रिपेयर होता है कि नहीं। रिपेयर होगा तो आपको एटलीस्ट एक आइडिया हो जाएगा, ये स्पेयर पार्ट बदली करने से ये फॉल्ट ठीक हो सकता है, या मेरा आज का दिन बेकार गया ये एपिसोड शूट करके, लेट्स सी। अगर ये गलत स्क्रू ड्राइवर आप यूज़ करेंगे नट पे, तो नट का जो हेड है वो ख़राब हो जाएगा, उससे आपका पहले सामान खुलेगा ही नहीं, रिपेयरिंग की बात तो बहुत दूर की। और ये है कि ये जो भी स्क्रूज होते हैं खोलते खोलते इनको संभाल के एक कोने में रखते जाइए, ये तो इनके घूम होने के चांसेस भी काफ़ी हैं। और ये स्पेशल टाइप के स्क्रूज हैं जो आपको नहीं मिलेंगे, आपको कोई दूसरा कोई स्क्रू लेके एडजस्ट करना पड़ेगा। ये खोल दिया। आपको एक बात बता दूं, इसके अंदर 230 वोल्ट जा रहे हैं सर्किट पे। ये अगर जब इंजीनियर नहीं है तो प्लीज़ इसे मत खोलिएगा, आप इसे खोलेंगे आप शॉक खाएंगे और कुछ नहीं होगा। एक इंजीनियर खोलेगा उसको पता है कहाँ पे शॉक लग सकता है कहाँ पे नहीं। सो इट्स अ डेंजर, बी केयरफुल वाइल ओपनिंग दिस यूनिट और प्लगिंग इट इनटू द पावर सप्लाई। ये देखिए, ये मैंने इसे ध्यान से खोलना, मालूम पड़ा कि कोई ना कोई आपने इसका प्लास्टिक का पुर्जा या मेटल का पुर्जा तोड़ के हाथ में ले लिया है। हाँ जी, ये खुल गया।
ये है इसका सर्किट। इसमें एक ट्रांसफार्मर जो मुझे दिख रहा है, ये आपके LEDs है चार जो डिस्को कर रहे हैं, LEDs लाइट एमिटिंग डायोड। इसमें एक 8-पिन IC दिख रही है, इसमें दो कैपेसिटर हैं, दो कैपेसिटर इस साइड है, ये दोनों कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स हैं। जीनर है इसके अंदर एक और दो, दो जीनर है इसके अंदर। एक ट्रांजिस्टर टाइप कुछ दिख रहा है, दिखते हैं ट्रांजिस्टर का क्या फंक्शन है इसमें। एज यूजुअल IC का नंबर नहीं दिखेगा, ये यहाँ पे एक फ्यूज दिख रहा है। आइए आपको क्लोजअप में दिखाता हूँ मैं। ये है 78L05, ये तो अपना रेगुलेटर IC है। ये दिखता बहुत कॉम्पैक्ट है, पर इसके अंदर काफ़ी सारा तामझाम है इसके अंदर। ये रेगुलेटर IC है, फिजिकली चेक कर रहा हूँ मैं, इसमें कुछ फिजिकली ऐसा दिखे कि ख़राब हो गया है। सो आई नो वेयर आई स्टैंड। ये आपके चार डायोड है प्राइमरी में, ये आपका एक फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ चेक कर लेंगे हम, आपके चार डायोड हो गए। ये पावर सप्लाई में फेराइट कोर का रिंग डाला है, ये बेसिकली RF जो होता है उसको सप्रेस करने के अंदर काम आता है। ये है IC, वार्निश डली हुई है, पता नहीं नंबर कौन सा है इसका। ये कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर 400 microfarad का है, ये 400 वोल्ट है, ये भी 400 वोल्ट होगा, इसका अलग रेटिंग होगा, 400 वोल्ट का ही है, ये 400 वोल्ट है, 4.7 microfarad है। ये बेसिकली प्राइमरी में है। यहाँ पे दो और कैपेसिटर्स है, एक है ये वाला और एक ये है 6.3 वोल्ट वाला है, 470 microfarad, 6.3 वोल्ट। ये पता नहीं क्या है, 205 लिखा हुआ है, 105 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है इसका वोल्टेज, ये रेटिंग नहीं है। देखिए ये कैपेसिटर कौन सा है, हाँ ये है 220 microfarad और ये है, आई थिंक खोलूँगा तो मालूम पड़ेगा क्या चीज़ है ये। यहाँ से तो ठीक ही है, इसको देखते हैं इसका बैक साइड। अभी आपको ये प्लास्टिक दिख रहा है, प्लास्टिक बेसिकली आइसोलेट करता है 230 वोल्ट को ये PCB बोर्ड से, कि बाई चांस अगर ये कुछ कॉन्टैक्ट लूज हुआ, शॉर्टिंग हो गया तो आग लगने के चांसेस है। ये इंसुलेटर है, ये बोर्ड का जो सेक्शन है, एरिया है, इधर 230 वोल्ट आएंगे, इसके बाद है इसमें DC वोल्टेज आएगा। यहाँ पे आपको शॉक लगने के चांसेस नहीं है, अगर यहाँ पे आप कुछ करेंगे तो आपको शॉक लगना ही है। सो बेटर है कि आप किसी इंजीनियर को दे दें ये रिपेयर करने के लिए। फ्यूज चेक करते हैं पहले हम, ये मैं जो कर रहा हूँ, हाँ ये फ्यूज ओके, इसको मैं डिस्कनेक्ट नहीं कर रहा, डायरेक्ट इन सर्किट में ही चेक कर रहा हूँ। फ्यूज ओके, इसका मैं जरा एक बार PCB चेक कर लेता हूँ कि
कि कहीं कोई ड्राइव शोल्डर या ट्रैक कट तो नहीं हुआ हो। अगर ये ट्रैक कट है तो उसे रिपेयर किया जाए, अगर ये कोई ड्राई शोल्डर है तो उसे भी रीसोल्डरिंग किया जा सकता है। जब मैं चेक कर रहा था इसका, ऑन करते हैं और वोल्टेज चेक करते हैं, ये 7805 जो आईसी है, इस रेगुलेटर आईसी, इसका हम लोग वोल्टेज चेक करते हैं। और एक किधर गया, हाँ यहाँ है 7805, ठीक है। देखें मैं शॉक खाता हूँ कि नहीं खाता। पावर ऑफ, ये इन किया, इसको मैंने ऑन किया, ये देखो ये डिस्को चल रहा है एलईडीज का। अभी आपको इसमें संभाल के करना है, जरा भी गलती की आपको शॉक लगा। अभी ये पहले मैंने जो टेस्ट किया वो पैसिव था, अभी ये एक्टिव है। एक्टिव में और ध्यान से करना पड़ता है, पैसिव में ये है कि आपके कोई केबल टूट गया या आप चेक करते करते कोई स्पेयर पार्ट टूट के निकल गया, उनकी चीज़ पुरानी होती है, वो संभालना पड़ता है। एक्टिव में इसके अंदर सप्लाई जा रही है, कहीं कुछ गलती की पहले तो शॉक लगेगा, और अगर जो गलत जगह आपका प्रोब चला गया टेस्ट प्रोब तो भाई साहब शॉर्ट हो गया। तो मैं आईसी चेक कर रहा हूँ कि वहाँ पे 5 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आउटपुट पे। इनपुट पे 12 वोल्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर आउटपुट शुड बी अराउंड 5 वोल्ट बिकॉज द आईसी इज 7805। ये है कॉमन, ये मैंने डाला इनके इनपुट में, 13, 12, 9 दिखा रहा है, और ये इसका आउटपुट, ये देखो ये भी हिल रहा है, वोल्टेजेस फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ऑसलेट हो रहे हैं। ये ऑसलेशन होना नहीं चाहिए क्योंकि ये ऑसलेटर सर्किट नहीं है, ये बेसिकली चार्जिंग सर्किट है। इसके अंदर ऐसा कोई क्रिस्टल दिखा तो नहीं मुझे, पर जब मैं ऑब्जर्व कर रहा था, जो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें ये दो कैपेसिटर हैं, ये थोड़े फूगे हुए हैं, शायद ये लीक होंगे। तो पहले तो मैं इन्हें रिप्लेस करता हूँ, शायद इससे मेरा काम बन जाए। बाकी ऐसा मुझे कुछ दिख तो नहीं रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक में सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर अंदर से ख़राब होता है, वो विजुअली दिखता नहीं है। फिर उसका आपको उसके लिए वोल्टेज चाहिए, उसके लिए आपको स्कीमेटिक डायग्राम चाहिए, नहीं तो आपको इसके स्पेयर पार्ट निकाल कर चेक करना पड़ेगा, नहीं तो आपको खुद उसका स्कीमेटिक डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर जो इसकी आईसी ख़राब हो गई है, इसका नंबर नहीं है, तो इसे फेंक देना ही जरूरी है। और ये अप्रॉक्सीमेटली 8000 का आता है ये वाला चार्जर। सो ये कैपेसिटर मुझे ख़राब दिख रहे हैं, मैं इसे डिसोल्डरिंग करता हूँ, इसे निकालता हूँ। कौन से कैपेसिटर्स? ये दो खराब है, ऐसे मुझे दिख रहा है, इधर फूगे हुए हैं। जो इनपुट पे हैं जो कैपेसिटर, वो मुझे ठीक लग रहे हैं, जहाँ पे 230 वोल्ट आ रहा है ये मुझे ठीक लग रहे हैं, और ये थोड़ा फूगे हुए हैं। तो मैं पहले इन्हें रिप्लेस करके चेक करते हैं क्या इससे सर्किट ठीक होता है कि नहीं। हाँ, वो मेरी सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग आयरन इज ऑन। तो हम लोग अभी इसको करेंगे डी सोल्डर, ये दो कैपेसिटर को। एक दो इसको निकालोगे तो इसकी पोलैरिटी याद रखना,
क्योंकि इससे ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है। पॉजिटिव बेसिकली कैन होता है और नेगेटिव इंटरनल होता है। तो वो कहीं लिख के रखना और कौन सा कैपेसिटर किधर है, क्योंकि 7805 के इनपुट में भी कैपेसिटर लगता है, उसके आउटपुट में भी कैपेसिटर लगता है। सो उसको एक नोट बना के रख लेना कि क्या है। अगर ये गलत कैपेसिटर गया तो थिंग्स विल नॉट वर्क। अगर ये पोलैरिटी रिवर्स कर दिया आपने, थिंग्स विल नॉट वर्क। सो व्हाइल डूइंग इट बी केयरफुल। ये है कैपेसिटर जिसका पेट फूला हुआ है, इसका वैल्यू है 470 माइक्रोफैरड 63 वोल्ट। तो ये दो कैपेसिटर हैं, देखो इसका पेट फूला हुआ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लीक है। तो मैं कैपेसिटर लिख के आपको प्रोजाव दिखा देता हूँ इसका। ये एक 220 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट, ये दूसरा 470 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट। सो ये दोनों को मैं रिप्लेस करता हूँ, लेट्स सी। आइए सोल्डर करते हैं। आई होप पोलैरिटी आपने लिख के रखी हो। तो मेरे पास थिनर है, ये थिनर से मैं थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ पीसीबी बोर्ड जहाँ मैं सोल्डरिंग करने वाला हूँ। ये थिनर पॉइजनस होता है, ये नॉर्मली टेक्नीशियन या इंजीनियर्स होते हैं या जो वर्कशॉप होता है उनके पास ये पाया जाता है, या तो फिर पेंटर के पास पाया जाता है। ये यहाँ पे मैं सोल्डरिंग करने वाला हूँ। यहाँ पे आएगा एक कैपेसिटर, यहाँ पे सेकंड कैपेसिटर वैसे है, और ये आपके तीन पिन है 7805 के। इसके फ्यूम्स अच्छे नहीं होते हैं, इसे कैंसर होने के चांसेस काफ़ी है। नॉर्मली एक एग्जॉस्ट होता है तो ये फ्यूम खींचते रहता है। कैपेसिटर रिप्लेस कर दिए, अभी हम इसे चालू करके देखते हैं। ये पैसिव था, अभी हम इसे एक्टिव करते हैं। उसके पहले मैं इनके एक्स्ट्रा जो पिन है ये काट देता हूँ। एक थोड़ा ब्रश मार देता हूँ कि बाई चांस कहीं कुछ शोल्डर का ड्रॉप रह गया होगा या बाई चांस कोई वायर का कटिंग रह गई होगी तो वो चीज़ें स्पॉइल कर सकती है। सो मैं इसे डाल रहा हूँ अंदर 230 वोल्ट में। इसे ऑन किया, देखिए ये कैपेसिटर ख़राब थे, लाइट ब्लिंक होना बंद हो गई। अब मैं इसके अंदर बैटरी डाल के चेक करता हूँ कि बैटरी चार्ज होती है कि नहीं। मैंने पावर ऑफ किया है, ये पैसिव है अभी।
बैटरी किधर गई? यस, देखिए ये चालू हो गया, बैटरी चार्ज हो रही है, अभी लाइन भी ब्लिंक नहीं हो रही है। अब मैं इसके वोल्टेज चेक करता हूँ। जो अंदर आईसी है 7805, वहाँ पे वोल्टेजेस कांस्टेंट आने चाहिए, डांस नहीं करना चाहिए वहाँ पे वोल्टेजेस जैसे पहले कर रहे थे। ये मैंने ऑन किया 27 और ये आपका आउटपुट 5 वोल्ट। सो वोल्टेजेस अभी डांस नहीं कर रही है, इसका मतलब ये मेरा सर्किट वर्किंग है, द थिंग विल वर्क गुड। सो लेट्स पैक इट। यस, कवर भी पैक हो गया। एक बार स्क्रू लगाने से पहले वापस चेक कर लेते हैं, डिस्को नहीं हो रहा, फ्रंट बैटरी, सेकंड बैटरी, और ये रही थर्ड बैटरी। सब चार्जिंग हो रही है, तो इसका मतलब अब मैं इसे फुल पैक करके यूज कर सकता हूँ। द थिंग इज वर्किंग गुड। एक बार चेक कर लेते वोल्टेज कितना है इस पे, नेक्स्ट टाइम कभी काम आएगा। 9 वोल्ट का जो पॉइंट है वहाँ पे 25-24 के आसपास दिखा रहा है। ट्रिपल ए के यहाँ पे 14-15 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब 14-15 वोल्ट चाहिए फॉर चार्जिंग 1.5 वोल्ट। पे 22 के आसपास 9 वोल्ट, ठीक है। वॉट एवर द थिंग इज, देयर डिजाइन, देयर सर्किट, थिंग्स आर वर्किंग गुड। सो दिस थिंग इज डन। एनर्जाइजर मॉडल CHCCEU is repaired and can be used. Bye.